मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में पेश किया वर्ष 2019-20 के लिए करीब 44,388 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट। विभिन्न वर्गों व सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट में की गई अनेक घोषणाएं, मुख्यमंत्री ने इनके उचित वित्तीय प्रबंधन की जताई प्रतिबद्धता। विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के करीब 20,000 पद भरने का ऐलान किया गया। विद्युत आपूर्ति बेहतर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खंभों को लोहे के खंभों में बदला जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को कर्ज की बैसाखियों पर चलने वाला और निराशाजनक बताया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आ रही लगातार गिरावट पर जताई चिंता, कर्ज से मुद्रा स्फीति बढ़ने की भी जताई आशंका। जीएसटी के दायरे में सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने से छोटे व्यापारी खुश। महापौर, उपमहापौर व पार्षदों सहित पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और अनुबंध कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए गए। प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू कर प्रदेश के 8.5 लाख से अधिक किसानों को किया जाएगा लाभान्वित। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए और 1300 रुपए प्रतिमाह की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया गया। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरें कम कर 50 पैसे प्रति यूनिट की गई, किसान होंगे लाभान्वित।